फ्रांस काफ्का की मुख्तसर कहानी ठुकराहट, मुसन्निफ फ्रांस काफ्का, तर्जुमा हमीद शाहिद। मेरी जब किसी खुश शक्ल लड़की से मुलाकात होती है और मैं उससे इल्तिजा करता हूँ, क्या आप बराए मेहरबानी मेरे साथ चल सकती हैं, और वो एक लफ्ज़ कहे बगैर आगे बढ़ जाती है, तो दरअसल वो कहना ये चाहती है, तुम कोई ड्यूक तो हो नहीं जिसके नाम का डंका चारों ओर बज रहा हो, न तुम कोई चौड़े चकले अमरीकी हो जो डील डॉल में किसी ऐसे रेड इंडियन से मुशाबह हो जिसकी मुतवाजन अफसरदा सोच बचार में डूबी आंखें होती हैं और जिनकी जिल दरख्तों से तकरीबन खाली मगर घास से अटे हुए मैदानों और इनमें बहने वाले दरियाओं ने सख्त बना दी हो। तुमने सात समंदरों का सफ़र भी कभी नहीं किया जो कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, जब तुम में इनमें से कुछ भी नहीं फिर मुझे बताओ मुझ जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ चलने पर क्यों राजी हो जाएगी। तुम भूल गई हो कि कोई फर्राटे भरती कार तुम्हें सड़कों सड़कों घुमाए नहीं फिरती, मुझे कोई ऐसा शरीफजादा दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हारे स्कर्ट को अकब से दबाता, तुम्हारे कानों में नेक तमन्नाएं फूंकता, नीम दायरे बनाता, तुम्हें अपने साथ साथ लिए फिरता हो, बजा तुम्हारी छातियाँ तुम्हारी चोली के अंदर खूब अच्छी तरह ढपी हुई हैं, लेकिन तुम्हारे इस जब्त की तलाफी तुम्हारी राने और तुम्हारे कूले कर रहे हैं। तुमने लचकारे मारते बढ़िया रेशम का चुन्नटदार ड्रेस पहन रखा है जो गुज़िश्ता पतझड़ के दौरान में हम सबको शाद करता रहा था, मगर इन सब बातों के बावजूद तुम मुस्कुरा रही हो और यूं हलाकत खेज खतरे को खुद दावत दे रही हो। हाँ, हम दोनों ही सही बातें कर रहे हैं और बेशतर इसके कि हमें इसकी अटल तौर पर आ गई हो सके, क्या यह बेहतर नहीं कि हम अलग अलग रास्ता नापते हुए अपने अपने घरों को चले जाएं।